जय हिंद दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं नागा चैतन्य के बारे में। खबर यह आ रही है कि नागा चैतन्य रमन राघव में काम कर चुकी एक्ट्रेस सविता धुलीपाला को डेट कर रही है। दो हजार तेरह में मिस इंडिया रह चुकी एक्ट्रेस सविता धुलीपाला कई मूवी और वेब सीरीज में काम कर चुकी है। इनकी आने वाली फिल्म पोनियन सेल्वन है, जो विक्रम ऐश्वर्या राय के साथ दिखेंगी। फिल्म में मनीरम को मणिरत्नम डायरेक्ट कर रहे हैं। वहीं नागा चैतन्य को आप सब जानते हैं, इनका हाल ही में समंथा प्रभु के साथ डाइवोर्स हुआ था और कुछ दिन बाद ही इनका अफेयर शुरू हो गया। अगली खबर आ रही है रणवीर सिंह को लेकर। इस बार रणवीर सिंह ने सारी हदें पार कर दी। रणवीर सिंह का ड्रेसिंग सेंस कैसा है सब हम जानते हैं। वहीं मामला इस बार उल्टा है। इस बार उनका बिना कपड़ों के नंगी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। दरअसल रणवीर सिंह ने एक मैगजीन के लिए नंगे होकर फोटो शूट करवाया था, जिसके चलते इन्हें खूब ट्रोल किया जा रहा है। अगली खबर आ रही है समंथा को लेकर। कॉफी विद करण में समंथा ने बताया कि नागा चैतन्य से डाइवोर्स लेना उनके लिए बहुत कठिन था, लेकिन एमिकेबल नहीं था। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि डाइवोर्स न्यूज में सबसे गंदा न्यूज उन्होंने अपने बारे में ये सुना। उन्होंने बताया कि डाइवोर्स न्यूज में सबसे गंदा न्यूज उन्होंने ये सुना कि उन्होंने डाइवोर्स के लिए 250 करोड़ की एलिमनी की मांग की है। अगली खबर मनोरंजन से हटकर आ रही है, लेकिन जानना जरूरी भी है। द्रौपदी मुर्मू हमारे देश की नई राष्ट्रपति बनी है। द्रौपदी मुर्मू झारखंड के आदिवासी समुदाय की रहने वाली है, साथ ही आदिवासी राष्ट्रपति बनने वाली भारत की पहली महिला है तथा राष्ट्रपति के पद पर बनने वाली भारत की दूसरी महिला है। अगली खबर आ रही है क्रिकेट जगत की ओर से, जहां भारत और वेस्टइंडीज़ के बीच पहला ODI मैच आज खेला जाएगा। शाम 7 बजे से मुकाबला शुरू होगा। टीम की कप्तानी शिखर धवन कर रहे हैं, साथ ही वेस्टइंडीज़ टीम की कप्तानी निकोलस पुरन की को दी गई है। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।